असुद्दीन उवैसी झुंझुनू के नवलगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नवलगढ़ के एक बकरा मंडी में सभा को संबोधित किया। उवैसी के नवलगढ़ पहुंचते ही बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय लोगों ने उनका स्वागत किया। उवैसी के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही थे। इस मौके पर उवैसी को सम्मान भी दिया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री पेंसिल तक में GST लगा रहे हैं, मतलब बच्चा स्कूल में ए फॉर एप्पल लिखता है तो उसे पेंसिल की GST देना होगा। शमशान पर भी GST लगा दिया है, जिंदा रहे तो GST, मरे तो GST। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री को अपना नाम GST रख लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज पर GST लगा दिया गया है। अब बची तो केवल सांस। आने वाले समय प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लोग कहेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए सांसों पर भी GST लग जाएगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को IPN न्यूज के साथ। के ऊपर भी GST लगा दिया, पेंसिल के ऊपर। माने वो जो मासूम बच्चा स्कूल को जाएगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखेगा, तो पेंसिल के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर भी GST लगा दिया। शमशान घाट नया बनाएंगे, उस पर भी GST है। यानी जिंदा रहे तो भी GST, मरे तो भी GST। बच्चा स्कूल को जाएगा तो GST, चावल का पैकेट खोला GST, दाल का पैकेट खोला GST, तेल का डब्बा खोला GST। भारत के प्रधानमंत्री आपका नाम GST रख देना चाहेंगे। आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब सिर्फ सांस लेना बाकी है। हो सकता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री उनकी पार्टी बोलेगी कि आप सांस ले रहे हैं राजस्थान में, तो उस पर भी GST लगा देंगे।